नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ एवं मस्त होंगे। और क्या मार्केट क्रैश होने वाली है बहुत गंदे तरीके से, क्योंकि अभी जो मैं देख पा रहा हूँ बिटकॉइन $18,500 के नीचे आ चुकी है। इथेरियम लगभग 9% की बड़ी गिरावट दर्ज कर चुकी है। तो क्या दोस्तों हम कह सकते हैं कि अगले 24 घंटे मार्केट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और क्या आपको ट्रेड लेना चाहिए, और अगर आप ट्रेड ले भी रहे हैं तो क्या कुछ सोच समझ के ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस क्या लगाना है, और भैया एक सबसे बड़ी बात, क्या मार्केट बहुत गंदे तरीके से अगले 24 घंटे में क्रैश होने वाली है। ऐसी बहुत सारी पैनिक मैसेज मेरे पास आ चुके हैं दोस्तों। आइए आज इस वीडियो में पूरी तथ्यों के साथ क्लियर जानकारी देने वाले हैं, और साथ ही साथ बिल्कुल क्लियर करके आपको बताएंगे कि भैया मार्केट में चल क्या रहा है, क्या ये सिचुएशन सच में पैनिक करने का है या फिर सच्चाई आपको जो दिखाई जा रही है उससे विपरीत है। पूरा खुलासा करा है हमने दोस्तों आप सभी के लिए, आगे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके चलेंगे और बताएंगे सब कुछ बिल्कुल क्लियर करके, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाए और आप इस मार्केट में भी पैसे बनाए दोस्तों, पैसे गवाए नहीं। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं क्या है असली सच्चाई और क्या मार्केट अगले 24 घंटे में बिल्कुल क्रैश होने वाला है। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, दिल से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें दबा दीजिए सब्सक्राइब बटन को, कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा रिसर्च बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद आप सभी के लिए वीडियो लेके आता हूं, और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपना प्यार हमारे साथ शेयर करेंगे। अब चलिए सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, यहाँ पे दोस्तों आपके सामने देखने को मिल रहा है सडनली जो है बिटकॉइन अपने जुलाई के लोएस्ट लेवल को टच कर चुकी है। दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो जुलाई के बाद ये बिटकॉइन का सबसे ज्यादा निचला स्तर है। अब क्या बिटकॉइन अगले 24 घंटे में बहुत गंदे तरीके से क्रैश होने वाली है, क्या है एकदम अर्जेंट अपडेट, आइए आपको बताएंगे। यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं किस तरीके का कैंडल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, बड़ी सी एक रेड कैंडल है। अगर दोस्तों यहाँ पे आप गौर करें तो क्यों ऐसा हो रहा है, सारी न्यूज हमने ऊपर आपके लिए कलेक्ट कर रखी है, और क्या कुछ रियलिस्टिक अपडेट है, सब कुछ ट्विटर टेलीग्राम सब जगह हमने छान मारा आपके लिए, और आपको अभी एक्चुअल अपडेट दिखाने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों कॉइन मार्केट कैप पे अगर हम आए तो अगर आज हम देखें पिछले 24 घंटे में इथेरियम लगभग 10% से ज्यादा नीचे आ चुकी है, बिटकॉइन लगभग 6.5% की गिरावट दर्ज कर चुकी है, और नीचे अगर हम सारी अल्टकॉइन को भी देखें तो लगभग सारी अल्टकॉइन 6-7% की बड़ी गिरावट दर्ज कर चुकी है। मैटिक का हाल बुरा है, 11% नीचे आ चुका है, और सभी अल्टकॉइन को अगर आप देखिएगा तो लगभग सभी अल्टकॉइन आपको नीचे ही देखने को मिल रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों, सारी इंटरनेट हमने छान मारी, सारा अपडेट हमने चेकआउट करा, तो लेकिन अगर मैं जेन्युइन कारण आपके सामने शेयर करूं कि असल वजह क्या है भैया जो इतनी गंदी तरीके से आज मार्केट क्रैश हुई है, तो दोस्तों यहां पे बस आपके लिए माहौल बनाया जा रहा है कि मार्केट डंप होने वाली है। आपको इस सिचुएशन में क्या करना है ये मैं क्लियरली बता दूं, अभी जो ये लेवल है बिटकॉइन का $18,700 का, अगर ये लेवल $17,500 के नीचे आ जाता है तो खतरे की घंटी बज जाएगी दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। $18,700 कोई बुरा लेवल नहीं है, मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे आपको ट्रेड लेने से बचना है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट किसी भी साइड मूव कर सकती है। अगर $17,500 से मार्केट नीचे आती है तो आपको कल शायद मार्केट हो सकता है $15,000 पे देखने को मिल जाए, नो डाउट, लेकिन यहाँ से बाउंस बैक की भी चांस बनी हुई है, क्योंकि इतनी कोई खराब भी अपडेट निकल के नहीं आई है मार्केट के लिए। अगर मैं आपको बिटकॉइन मैगजीन के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे लेके जाऊं तो यहाँ पे सारी जो अपडेट होती है बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी सारी आपको यहाँ पे बताई जाती है। सबसे पहले एल सल्वाडोर को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, क्योंकि ये आज का ही दिन था जब एक साल पहले एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को एज ए लीगल टेंडर यूज करना स्टार्ट कर दिया था। दोस्तों उससे थोड़ा सा अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको कोई भी बुरी अपडेट देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नाइजेरियन गवर्नमेंट की तरफ से या फिर किसी अन्य गवर्नमेंट की तरफ से कोई बुरी अपडेट नहीं आई है, यहाँ पे बताया जा रहा है। दोस्तों अगर आप इनके ट्विटर हैंडल पे देखेंगे तो नाइजेरिया ये प्लान कर रही है कि एक बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो इकोनॉमिक जोन बनाया जाए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी न्यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, बट ऐसा कोई भी नेगेटिव न्यूज आपको देखने को नहीं मिलेगा। सेकेंड अपडेट पे अगर हम आते हैं यहाँ पे कि क्रिप्टो करेंसी जो नीचे आई है इसका ऊपर जाने का चांस कब बन सकता है, क्योंकि ये भी जान लेना जरूरी है। इससे पहले मैं आपकी एक बहुत बड़ी डाउट क्लियर कर देता हूँ, मतलब अगर हम देखें तो यूट्यूब पे ये तो ट्रेंड छा गया है कि भैया ये जो एम टी गॉक्स है ये 101,40,000 बिटकॉइन
रिलीज कर देगी 15 सितंबर को, जिसके चलते बहुत सारे लोग पैनिक है और इसको लेकर के मुझे बहुत सारी मैसेज भी आ चुकी है। बट इसकी सच्चाई में अगर आपको दिखाऊं तो ज्यादा कुछ नहीं करना दोस्तों, तो थोड़ा सा नीचे आ जाना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सच्चाई आपके सामने है कि भैया ये जो है MTGOX, ये 1,40,000 बिटकॉइन 15 सितंबर को तो रिलीज नहीं कर रही है, यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिल जाता है। तो इसको लेकर जो आपके जो भी डाउट्स है कि बिटकॉइन रिलीज होगा जिसके चलते मार्केट डंप होगा, ये आपके पास होना नहीं चाहिए। आपको बस मार्केट में अभी पैनिक किया जा रहा है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बिल्कुल क्लियरली बताया। हो सकता है कल तक मार्केट नीचे आ जाए, लेकिन वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि ऐसी कोई भी बुरी अपडेट आपको मार्केट में देखने को नहीं मिले जिसके चलते मार्केट इतने गंदे तरीके से क्रैश हो रहा है। यहाँ पे वेल्स की प्लानिंग है, आपको थोड़ा सा डराया जाए और जब आप डरे तो भैया यहाँ पे आपसे फायदा बनाया जाए। यहाँ पे अगर मैं एक जेन्युइन कारण आपको दिखाऊं तो यहाँ पे दोस्तों एक जो जेन्युइन कारण मुझे देखने को मिला वो ये है कि भैया डॉलर की जो स्ट्रेंथ है, मतलब डॉलर का जो वैल्यू है वो बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पे बिटकॉइन हमें सेट होते नजर आ रहा है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे डॉलर ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है और पिछले 20 साल के सबसे उछले स्तर पे डॉलर पहुंच गया है, जिसके चलते मार्केट क्रैश हो सकती है, लेकिन 1-2% का क्रैश काफी था। ये जो 10-10% नीचे आया है, ये वेल्स आपके साथ खेलना चाह रहे हैं। और फिर से मैं आपको कहूंगा थोड़ा सतर्क हो जाए, जहां पे मैंने आपको स्टॉप लॉस लगाने को कहा था वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा चुके होंगे। अगर अभी आप नहीं समझ पा रहे कहां पे मैंने कहा था, तो $17,500 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाए, क्योंकि उससे नीचे अगर गाड़ी खिसकती है तो आपको बड़ा वाला मुनाफा होगा। मैं नुकसान की बात ही नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए और बेयरिश मार्केट से भी आप यहाँ पे लाखों बना के ले जाएंगे, इतना मैं आपको जरूर से कह सकता हूँ दोस्तों। थोड़ा सा अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे एक जो बड़ा इवेंट होने वाला है वो है भैया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकल के आने वाला है यहाँ पे 13 सितंबर को, तो ये एक बड़ा इवेंट हो सकता है। और अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पॉजिटिव रहती है दोस्तों, तो यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के लिए अच्छी अपडेट होने वाली है। जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि जो मार्केट है वो वेट कर रही है 13 सितंबर को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकल के आएगा, तो अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अच्छा रहता है तो उससे मार्केट के लिए अच्छी बात होने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों 13 तारीख एक इंपॉर्टेंट दिन है, बट उससे ज्यादा मार्केट में आपके लिए जानने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों। मैं आपको डे टू डे अपडेट प्रोवाइड करता रहता हूँ और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ। माइकल बड़ी नाम की, मतलब ये बड़े नाम के जो भी है, माइकल बड़े नाम के, इन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया कि बिटकॉइन अपने 2008 के लेवल को टच कर लेगी, यानी कि बिटकॉइन $10,000 से नीचे आएगी। ऐसे प्रिडिक्शन ये लोग मारते रहते हैं दोस्तों, अगर आप देखे होंगे क्रिप्टो मार्केट में जुड़े हुए हैं तो कई आपको प्रिडिक्शन देखने को मिलेगी। प्रिडिक्शन करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना भैया, इनकी कहानी अगर आप देखिएगा तो इन्होंने एक बार प्रिडिक्ट करा था कुछ घटनाएं जो कि हो चुकी थी। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो इन्होंने प्रिडिक्ट करा था भैया 2008 में हाउसिंग एंड सुप्रीम मॉन्टेज क्राइसिस जो आया था उसको इन्होंने प्रिडिक्ट करा था, वो आ गया। तो अभी बिटकॉइन की भी प्रिडिक्शन देने लग गया, बट इन सब चीजों से आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस लगाइए, एफिशिएंट ट्रेडिंग कीजिए, और मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में तो अपडेट देते ही रहता हूँ, आप चाहे तो बिल्कुल फ्री में ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। और बाकी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट पहुंचाता रहूंगा, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इस मार्केट से पैसा कैसे बनाना है ये जानना है दोस्तों, आइए एक लाइन में मैं आपको समझा देता हूँ कि इस मार्केट से आप पैसे कैसे बना सकते हैं। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कॉइन मार्केट कैप में सीधे चले जाइए, ज्यादा तामझाम करने की भी जरूरत नहीं है। बिटकॉइन अगर $17,500 के नीचे आता है तो ये कंफर्म समझिए कि बिटकॉइन $16,000-$15,000 जा सकता है, तो यहाँ पे इस जोन पे तो आपको बाइंग करना नहीं है। और अगर बिटकॉइन $19,500 के ऊपर चला जाता है अचानक से, या फिर $20,000 के ऊपर चला जाता है, तो वहां पे आपको थोड़ी सी बाइंग करनी है और $24,000 के लगभग थोड़ा सा सेलिंग कर लेना। ये है बिटकॉइन की प्राइस एनालिसिस, और इस तरीके से आप बिटकॉइन में काफी अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। यहाँ पे प्राइस हमें थोड़ा सा कंसोलिडेट होते हुए नजर आ रहा है, यहाँ पे प्राइस किस तरह जाएगी इसे प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, बट अगर मैं खुद से प्रिडिक्ट करूँ कि कहाँ मैं जाता हुआ देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है बिटकॉइन $17,500 से या फिर $18,000 से बाउंस बैक करेगी। थोड़ा और आपको डराया जाएगा मार्केट में, लेकिन बाउंस बैक मुझे यहाँ पे करता हुआ बिटकॉइन नजर आ रहा है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं दोस्तों, नो डाउट, क्योंकि इसे प्रिडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा मार्केट किस भी तरफ जाए लेकिन आपको प्रॉफिट बनाना आना चाहिए, और मैं ये आपको करके भी दिखाऊंगा दोस्तों। अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो प्रॉफिट बनाऊंगा, ऊपर जाएगी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बनाऊंगा ही बनाऊंगा। अगर नीचे जाती है तो कहां पे खरीदारी करें, $16,000 के पास थोड़ा सा खरीदारी कर सकते हैं, $15,000 के पास थोड़ा सा खरीदारी कर सकते हैं, और 15,000 से अगर नीचे आता है तो मार्केट 12,000 से 10,000 तक भी आ सकता है, जिसकी आशंका मुझे बहुत कम लगती है क्योंकि मार्केट पॉजिटिव ही नजर आ रहा है।
अगर आपके कुछ राय है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उसे जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। और बाकी दोस्तों अपडेट कैसी लगी जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा जरूर से सब्सक्राइब बटन को दबा ही दीजिए, कर दीजिए वीडियो को लाइक एंड शेयर, क्योंकि हम हर रोज आप सभी के लिए एक्सक्लूसिव क्रिप्टो अपडेट लेके आते हैं जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन तो बढ़ती है साथ में कुछ फायदा भी हो जाता है। और एक बात मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, ये वीडियो जो है बस इन्फॉर्मेशनल और नॉलेज पर्पज के लिए है, मैं किसी भी तरीके से आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं देता हूँ, तो इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने खुद के रिस्क कैपेसिटी पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है और यहाँ पे आपके पैसे डूबे भी सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दी वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।